जी अब हम लोग 3.7 न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे हैं। 3.7 न्यूमेरिकल के अंदर जो चीजें गिवन है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डाटा ही हमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तो डाटा को हम यहां पे रीड करते हैं। डाटा में क्या चीजें हमें गिवन है, डाटा में हमें बताया हुआ है कि 2 masses 26 किलोग्राम एंड 24 किलोग्राम आर अटैच टू दी एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग विच पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। 26 किलोग्राम इज लाइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। 24 न्यूटन मास इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन इन द बॉडीज। यानी हमें एक बेफ्रिक्शन पुली पर से गुजरने वाली डोरी से 26 किलोग्राम मास और 24 किलोग्राम मास के दो अजसाम मुंसलिक हैं। 26 किलोग्राम का मास एक हमवार उफ की सतह पर रखा हुआ है, जबकि 24 किलोग्राम मास का जिस्म अमूदन नीचे की जानब हरकत कर रहा है। डोरी में टेंशन और दोनों अजसाम का एक्सेलरेशन मालूम करें। तो सबसे पहले हमें जो डाटा गिवन है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें गिवन है। हमें मास वन और मास टू, एक टेबल के ऊपर मास पड़ा हुआ है और एक टेबल के नीचे है, यानी वो लटक रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एम वन जो है ना वो मेरे पास 26 किलोग्राम है और एम टू जो है ना वो मेरे पास 24 किलोग्राम है। मैंने टेंशन फाइंड करना है और मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन सॉरी फाइंड करना है। और इसी तरह जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू 10 मुझे जुबानी याद रखनी पड़ेगी। ये एक टेबल है, ये हॉरिजॉन्टल टेबल ऊपर की सरफेस है, उसके ऊपर एक मास रखा हमने और इसका जो है मास है वन है नाम, और इस साइड पर एक और मास लटक रहा है डोरी के ऊपर से और इसका जो है ना मास टू है। इसमें एक टेंशन मौजूद है जो दोनों टेंशन जो है वो टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होती है। तो जो एम टू है और एम वन है ये दोनों में पता है, यहां पर M1 और M2 दोनों वैल्यूज अगर हमें पता है तो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि टेंशन कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा। तो टेंशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखते हैं। जैसे मेरा बॉडी जो है ना वो नीचे की जाना आएगा तो ये दूसरा बॉडी जो है ना वो इस साइड पे जाना शुरू कर देगा। लिहाजा मैं यहां पर कहता हूं कि जो मेरा टेंशन है ना वो क्या है, यहां पर टेंशन इज इक्वल टू एम वन एम टू नीचे एम वन प्लस एम टू और मल्टीप्लाई बाय जी। तो यहां से मैं कैलकुलेशन अब हम लोग यहां पे करते हैं। सेकंड स्टेप हमारा कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन में क्या करते हैं हम लोग, टी इज इक्वल टू एम वन कितना है मेरे पास 26 है प्लस 24 है और नीचे जो है ना वो फिर 26 और 24 और ये सारा कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ। अब मैंने कैलकुलेटर में क्या करना है, कैलकुलेटर में मैंने इसको सबसे पहले ऊपर जो है ना आ रहा है इसको जमा कर देना है और उसको मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, या आप इस 10 को बाद में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे जो है ना डिवाइड एक ही दफा करना हम लोगों ने 26 प्लस 24 इन दोनों को जमा करके डिवाइड करना है। लिहाजा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये सारा हल करने के बाद कैलकुलेटर से मेरे पास जो आंसर बचता है वो 125 यानी 125 न्यूटन, टेंशन का यूनिट न्यूटन है, चूंकि टेंशन भी एक फोर्स ही है तो इसका यूनिट जो है ना वो न्यूटन है। यहाँ पर एक चीज हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है, अब हम फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन है इस केस में, ये केस क्या है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर एक मास पड़ा हुआ है और दूसरा मास जो है ना वो नीचे लटक रहा है। इसके अंदर जो है ना हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो क्या है, एम वन ओवर एम वन प्लस एम टू। ये फार्मूला हम लोगों ने टॉपिक में कैलकुलेट किया हुआ है, ड्राइव किया हुआ है, ये वही फार्मूला दोबारा से हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आप लोग दोबारा से जाके उसी टॉपिक में इसको एक दफा रिव्यू कर सकते हैं, इसका सर्च कर सकते हैं कि क्या ये यही है। और कैलकुलेशन में दोबारा से मैं क्या करूंगा, ये सारी वैल्यूज पुट कर दूंगा और फिर उसको हल करेंगे हम। ए इज इक्वल टू एम वन कितना दिया हुआ था 26 है और मल्टीप्लाई ये ऊपर ही मैं कर देता हूँ 10, ये ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर 26 है प्लस 24 है। ये सारा जो मैंने कैलकुलेटर की मदद से हल करना है, 26 को मैं जरब देता हूँ 10 के साथ, फिर मैंने डिवाइड का बटन दबाना है और ये दोनों चीजें आपस में प्लस हो रही हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये लेदर से डिवाइड हो रहा है, ये लेदर से दोनों प्लस हो रही हैं, जो उनका आंसर आएगा वो डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे मैंने कैलकुलेटर में पुट किया तो ये मेरे पास जो आंसर बचता है ये 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ये एक्सेलरेशन बच गया मेरे पास। अब मैं इसका रिव्यू लेता हूँ एक दफा। रिव्यू क्या है कि सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसमें 2 masses दिए हुए, एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है
और जो दूसरा मास है वो एक नीचे लटक रहा है। तो हमने इसकी एक डायग्राम यहाँ पे प्लॉट की थी, यहाँ पे हम वन समझ लिया, यहाँ पे हम टू समझ लिया, हम लोगों ने टेंशन दोनों के अंदर मौजूद है और इसका जो एक्सेलरेशन है नीचे की जानब आएगा और ये वाला जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेट करेगा। लिहाजा हमने सबसे पहले डाटा लिखा इसका कि एम वन जो है ना वो कितना है और एम टू कितना है, टेंशन मैंने फाइंड आउट करनी है, मैंने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, जी की वैल्यू मैं जानता हूं 10 m/s² होती है। अब फार्मूला मैंने लगाया टेंशन इज इक्वल टू, ये याद रखना है कि ये जो फार्मूला टेंशन का है ये पिछले क्वेश्चन में जो है उसके साथ मिलता नहीं है, ये अलग से टॉपिक है ये वाला और वो वाला अलग था, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बता दिया कि एक मास हॉरिजॉन्टल है और एक मास वर्टिकल लटक रहा है, तो एम वन और एम टू और नीचे के आगे एम वन प्लस एम टू और मल्टीप्लाई जी टेंशन इज इक्वल टू, ये दोनों हम लोगों ने फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दी है सारी की सारी और ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे और जी 10, इसको सारे को हल किया तो मेरे पास जो आंसर बचता है वो 125 है। नेक्स्ट चीज जो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी वो क्या था, वो एक्सेलरेशन था एम वन और नीचे एम वन प्लस एम टू इंटू जी और ये यहाँ पे आ गया 26 × 10 और फिर नीचे मैंने दोनों वैल्यूज लगाई और उसको हल किया कैलकुलेटर की मदद से, ये मेरा आंसर आ गया। तो ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया।